आर यू इंजॉइंग? मजे करे आपने? थके नहीं बेटा? माँ तो थक गई, आपकी माँ तो थक गई, आप नहीं थके? हाँ अच्छा, शूज तो उतारेगी। देखो गाइस, सभी लोग जो यहाँ पर शूज उतार के चलते, क्योंकि जो ये आपको घास के मैदान दिख रहे हैं ना, इसमें जो है हर्ब्स है, तो लोग जो है शूज उतार के चलते यहाँ पर। चरवाही लोग होते हैं वो 12 महीने, मतलब 6 महीने, 12 महीने तो नहीं क्योंकि बर्फ बहुत पड़ती है यहाँ पे, 6 महीने जो है इधर ही रहते हैं डंडों पे। मतलब तो एक बार क्या हो गया था कि किसी के जो है पाँव कट गया था, तो बहुत खून बह रहा था। तो आपको तो पता है कि पहले ज़माने में, पहले जो होता था कि लोग, बुजुर्ग लोग जो पहले ज़माने में जो लोग होते थे, वो जो है शूज़ भी नहीं पहनते, नंगे पाँव ही चलते थे लोग, मैक्सिमम लोग, बहुत कम लोग होते थे जो शूज़ पहनते थे। और तो मतलब उनका जो पाँव कट गया था किसी बुजुर्ग का, तो वैसे ही चल रहे थे इधर, तो चलते चलते जो मतलब खून बह रहा था, तो वो साफ़ करते जा रहे थे घास में, चलते जा रहे थे साफ़ करते जा रहे थे। बट थोड़ी देर, मतलब थोड़ी एक आधे घंटे में उनका पाँव जो बिल्कुल ठीक हो गया था, मतलब खून बहना बंद हो गया। जब उन्होंने देखा कि भाई ये कैसे हो गया, तो उन्होंने देखा कि उनका पाँव मतलब इस कदर ठीक हो रखा था कि उनको पता ही नहीं चला पाँव कटा कहाँ से था। तो इसका मतलब था कि कोई दवाइयाँ ही होगी, जो हम बात कर रहे थे ना, मैं जो कह रही थी हर्ब्स के बारे में, तो वही होगी, मतलब उनके पाँव में लग गई होगी। तो मतलब ये देखो ना आप, और कहने को तो लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो है सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, यहाँ पर हर जड़ी बूटी मिलती है, हर मेडिसिन है इस पीक पर। और जैसे हम जो गूगल धूप जो यूज़ करते हैं ना पूजा के लिए, वो भी पाया जाता है यहाँ पर गाइज। और गाइज ये देखो बहुत ही सुंदर व्यू है, और ये देखो यहाँ पे आपने जगह जगह पे देखा होगा कि ये स्वच्छता का बोर्ड लगा हुआ है, और हम देख भी रहे कि बहुत ही नीट एंड क्लीन जगह है ये, और लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार, मतलब काफ़ी अवेयर है लोग भी, और जो कूड़ा वगैरह जो है नहीं डालते ऐसे, और जगह जगह पर डस्टबिन लगे हुए हैं हर जगह पे जो। हाँ ये सही बात है तेरी, हर जगह पे यहाँ पे जो है गार्बेज बिन लगी हुई है, तो लोग जो है प्रॉपर यूज कर रहे हैं उसका। ये तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गाइस की, भाई हम अपने सराउंडिंग में जो है साफ सुथरे, खासकर जहाँ पे हम घूमने के लिए जाते हैं, इंजॉय करने के लिए जाते हैं, वो जगहें तो साफ सुथरी रखना ही है, वो हमारी सबकी जिम्मेदारी है। काशी गोट, ये क्या आप कहाँ ले जा रहे हैं, चुकाने के लिए? हाँ जी, चुका रहे हो? एक ही आपके पास, एक ही है? अच्छा अच्छा, ओहो देखो देखो कैसे भागने की कोशिश कर रहा है वो, शरारती है बहुत। और गाइज ये देखो कुछ लोग इधर बैठे, आप अपने ग्रुप होते हैं, सभी लोग ग्रुपों में यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, और गर्मियों में बहुत अच्छा ही है यहाँ पर, जो आप अप्रैल के बाद, अप्रैल मई जून, उसके बाद जो है बरसात शुरू हो जाती है, मानसून स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है फिर यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती है, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता यहाँ आने, यहाँ आने का, हर बात थक गए। जॉइल, जॉइल डर के आगे, यस घोड़ा रानी जीत है, लेट्स मूव। गाइज यहाँ पर जो वेदर जो है पल पल में चेंज हो जाता है, अभी तक धूप निकली हुई थी, कभी क्लाउडी हो रहा है, कभी फॉग आ रही है, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम है, ऑसम, मौसम इज ऑसम। और लोग जो है डांस कर रहे हैं, ये देखो ये हमारी है पहाड़ी नाटी, लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। और इधर हमारे बच्चे हैं, शरारती बच्चे, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देखो ये देखो, काशी को देखो सबसे पहले, बस कर जा काशी, पहुंच गया। बच्चों ने यहाँ पर कुछ बनाया है, और कह रही है माँ मुझे मुझे ये क्या बनाया बेटे, ये काशी क्या बनाया आपने, आपको नहीं पता? निशानी छोड़ रहे अपनी, जब हाउस अगली बार आएंगे तो हाउस बनाया, जब अगली बार आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, जब नेक्स्ट टाइम आओगे फिर देखोगे आप इसे, ढूंढ लोगे आप? अच्छा, यहाँ तो लोगों ने बहुत सारे बना रखे हैं, इसलिए काशा ने भी बना लिया है ना। चलें, हमें लग रही है भूख, अब हम खाएंगे खाना,
और बहुत ज्यादा भूख लग रही सच में, और सांस तो इतनी फूल रही है पूछो मत। सबसे पीछे हम ही है, मतलब हमारे ग्रुप में सबसे पीछे हम ही, और बाकी देखते कहाँ पहुंचे लोग कैंडिडेट हमारे। वाओ कितना ब्यूटीफुल है। और ये गाइस ये लोग भी जो है एक ग्रुप ही है, ये भी जो है लंच की तैयारी में है, लंच करने की तैयारी में, और हम भी खाना खा लेते हैं। ये देखो खरगोश, ये देखो रैबिट, ये देखो छपने छपने, देखो रैबिट कैसे कर रहा है। फाइनली हमारी फैमिली हमें मिल चुकी है, थैंक गॉड से। तो अब हम जा रहे हैं लंच करने, मिलते हैं आपसे लंच में। गाइज जी हम लोग जो है अब लंच की तैयारियां हो रही है हमारी, अब हम सब लोग जो है लंच करेंगे मिलके, और वेदर भी फॉगी फॉगी सा हो गया अब। और एक हमारा देखो ये एक डॉग भी है भाई हमारे साथ, एक डॉग ने भी ज्वाइन कर लिया लंच में। ये आपकी प्लेट है? हाँ हाँ ये मेरी है। वो ड्राइवर को भी दे दो यार। लंच हो चुका है और अब हम जो है मतलब ठंड बढ़ रही है क्योंकि दोपहर हो चुकी, तो यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा हो गया, तो हम लोगों ने कार्डिगन वगैरह साथ ला रखी थी, शॉल ला रखे थे, तो हमने पहन लिए है क्योंकि बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। और शायद ये जो पीछे मुझे दिख रहा है कोई प्लेटफॉर्म, ये शायद माता रानी का मंदिर है क्योंकि एक छट्टी सी दिख रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा मेरा ये, मतलब बहुत ही सुंदर है गाइस। मैं सबसे ये आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करेंगे चांशल पीक पे, चांशल पास। और अब चलते घर की ओर, और सोचा है कि रास्ते में एक और डेस्टिनेशन है तो हम जो है उसको भी कवर करते जाएँ आज। Hindu.